कुछ सिलसिला का व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके भाई ने कैमरा ऑन किया है। हमने इस्लामाबाद से मामू के घर से चेकआउट कर लिया, माल शाल और सामान रख दिया, सारा पैक कर दिया, चलते हैं। किस तरह हो सकता है कि इस्लामाबाद आए और शेख साहब तहजीब बेकरी ना जाए? अभी तहजीब बेकरी में ये कुछ पासवर्ड वगैरह लेंगे, बिस्कुट वगैरह लेंगे। यम्मी केक, गिव इट टू मी लाइक biscuits, fresh salad. सेम कुछ इस तरह के अभी जा रहे थे हम लाहौर, लेकिन कहने लगा यार तेरी तबीयत ठीक है तो चलते हैं। मतलब मैं तो कोई नहीं, चलो अब आए हैं इतनी दूर, बंदा फायदा नहीं है ना। ये देखिए जी, अब इधर से हमने मोड़ काटा, ये देख मरी रास्ता जा रहा है, ये अमरी की तरफ निकल पड़े हैं जी। अचानक ही प्लान बनाया 5 मिनट के अंदर अंदर, तबीयत मेरी हल्की हल्की सेट हो रही है। एक अंडी बैठे हम शाम को खाएंगे, सिम सिम हो जाएंगे। भाई जान मरी स्टार्ट हो चुके हैं, चेक करें जी, होटल आना स्टार्ट हो गए हैं। क्लास को इग्नोर करना है क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है और तबीयत ठीक हो गई है तकरीबन, बाकी अल्लाह ख्याल करें कि दोबारा खराब ना हो। भाई जान ट्रिप सारा खराब हो जाता है। भाई फाइनली एंट्री इन मरी, ये मरी पहुंच चुके हैं जी। अब होटल वगैरह ढूंढने का मकसद है, एक मशहूर जी पी ओ चौक चेक करें। भाई जान सारे धुप सेकते पे जी पी ओ चौक पर, कोई बर्फबारी का सीन नहीं है। चेक करें जी होटल, चेक करें, रश है मरी में, ये शाम को गाड़ी हमने पार कर दी है जी। तो अब होटल ढूंढते हैं कोई अच्छा सा, देखते हैं जहाँ पे वाईफाई गर्म पानी पौने। बिलाल भाई वो मेरे ख्याल अंदर गए हैं, होटल का पूछने गए हैं। यहाँ मरी में एक सीन है, ये जो होटल वाले पीछे पड़ जाते हैं ना, इधर आ जाए इधर आ जाए। अब ये बंदा देख लो, हमने इसको 6 दफा मना किया कि भाई हमने नहीं लेना तुम्हारा होटल, फिर भी पीछे जाइए जा रहा है। और भाई हम अपनी मर्जी से लेंगे, ये बड़ी चुस्त वाला सीन है, केस कर दो वगैरह इस तरह वहाँ नहीं होता। लेकिन मरी में थोड़े जिमजिम वाले बंदे हैं, खांसी है मुझे हल्की सी, लेकिन ये मैं भाई जान मरी जाने जाना है, इस्लामाबाद दूर बंदा आवे तो मरी भी ना जावे। अच्छा ये देखो मैं स्कर्दो नारान गगान गिलगित स्वात सारी जगह घूमी है, मरी मैंने कभी नहीं देखा ये ज़िंदगी में, समझो दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ क्योंकि बचपन में अबू ने दिखाया हुआ था। तो भाई जान अभी शिक्षक गए हैं कमरे का रेंट वोट पूछने, क्या सीन है फाइनल होता है तो फिर आपको दिखाते हैं कमरा भी। ठीक है जी, गाड़ी के पीछे लगे हैं, पीछे पड़ जाते हैं, आयो साढ़े नाल आयो सेम कुछ इस तरह का, बड़ा खापते ना। ये हमें अच्छा होटल लगा, तो यहाँ पे हमने कमरा ले लिया भाई जान। लेकिन ये है कि ये बेसमेंट में सीढ़ियाँ बहुत हैं, नीचे जाना पड़ता, लेकिन जो व्यू है ना वो मज़े की बात बताऊँ आपको, 8,000 मांग रहा था इसको 4,000 भी लेके आए। कमरा VIP, गर्म पानी, वाईफाई, हर चीज़ ओके, फ्लू हो रहा है मेनू। तो शेख साहब गाड़ी लेने जा रहे हैं जी, इसको हमने फाइनल कर लिया, तो देखते हैं फिर क्या सीन है। खाना खूना भी खाना यार, भूख लगी, इस बार नाश्ता किया है, कमरा फाइनल कर लिया। लेकिन ये है कि ये बहुत नीचे है, ये चेक करें आप, देखते जाना आपने। चाबी पकड़ी उसे, नीचे नीचे और कितना थल्ले, बहुत नीचे अभी। कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे होटल नहीं मिला, लेकिन ये आखिरकार हमें होटल मिल ही गया। चेक करें, दो ये तीन, मतलब तीन भी सो सकते हैं दो भी सो सकते हैं, ये सिंगल बेड है, साथ उन्होंने एक मैट्रेस दिया हमें। हमला भाई बाहर जाके व्यू दिखाओ, कैसा व्यू है, लेवल का कमरा है भैया, लेवल ये पैसे सारे व्यू ने पूरे किए हैं। ये चेक करें व्यू, आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो इधर आप बैठ के लैपटॉप में काम कर सकते हैं, लोग को एडिट कर सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं, फुल हैवी सीन है। तो भैया आपका इधर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ठंड भी है और एक मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो ये मैंने आपको होटल दिखा दिया है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम था भाईजान, देखो शेख सलमान साहब, बाकी दोस्त सारे गए हुए घूमने फिरने, मेरी यार तबीयत ख़राब हो गई, हालांकि हम सीधा लाहौर जा रहे थे,
लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं मरीज जाना है, मरीज तब मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, सीमा आ गया था, मतलब तबीयत क्लियर थी। और जैसे ही मरी आए हैं वो फिर डाउन हो गई, बुखार कंपनी शुरू हो गई बाबा जी। ये उसके बाद भाई जान शेख साहब ने मुझे KFC ला के दिया, उन्होंने मैंने KFC खाया है। तो अब मैंने ये क्या कहते हैं हीटर मंगवाया, मैंने कहा यार हीटर के बाद चाय शाय पिया मैंने, तो वो अब पता नहीं कब आते हैं, किस्मत देखो कितनी माड़ी है यार। चलो कोई नहीं, सुबह थोड़ा घूम लेंगे। तो भाई सीन कुछ इस तरह है जी, शेख साहब फोर्स कर रहे हैं कि आप टीका लगवाएं, टीका लगवाएं ट्रेन और लोलो प्रीम का। ये कह रहे हैं जी ऑक्सीडल टीका लगवाओ ताकि सुबह ठीक हो और सुबह घूमे फिरे। तो मैंने टीका कभी जिंदगी में नहीं लगवाया, तो अब चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। आप ही बताओ आपने टीका लगवाना कहाँ है? वेन में लगवाओगे जी? गोश्त में लगवाना। DHQ उधर मरी में आए थे चेक करवाने, हमने कहा चलो इंजेक्शन लगवा लें। तो उसने पूछा जी आपने क्या खाया, मैंने कहा सर्टिफिकेट 400 पैनाडोल एंटी एलर्जी गोली। तो कहता फिर मेरे पास क्या लेने आया कि बाहर में सही तो खा रहे हो, कहता 5 दिन लगातार खाओ भाई, इंजेक्शन नहीं लगाया उसने, BP भी ठीक है। तो अब थोड़ी तबीयत सेट हुई है तो भाई निकले ये चक्कर ने मरी गई लोन के, फुल हैवी रश है ये GPO चौक मेन, बस आई लोग देखने आते हैं, दो फोटो खींची हद गए। हाँ जी शेख साहब, हाँ जी, रात के 12:30 मरीज आए यार, तू तो कोई बात ही ना कर, क्यों अभी भी तू नींद आई है, मैं जाके लम्बे पैने मैं सोना है यार, बंदे का की पता लगता तबीयत करो खराब हो जाए। मरी जाने जनाब साहब, 2 घंटे ला के जिद लाई थी, तो हूं कहता मैं कभी सोना है तो कभी मैं यूं है यूं यार, तबीयत खराब हो गई ना।